ये शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां पर लोक निर्माण विभाग में अशोक कनौजिया सब पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल नियम कानून से ऊपर चीफ इंजीनियर अशोक कनौजिया, 23 साल से लखनऊ कमिश्नरी से बाहर उनका तबादला नहीं हुआ है। 13 साल से लखनऊ में ही तैनात हैं अशोक कनौजिया और चीफ एनएच के पद पर तैनात हैं अशोक कनौजिया। चीफ एनएच के अलावा अब लखनऊ मध्य क्षेत्र का भी अशोक कनौजिया को जिम्मेदारी मिल गई है। शासन के सारे शासनादेश से ऊपर है अशोक कनौजिया। प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण को भी अशोक कनौजिया का सर्विस रिकॉर्ड नहीं नजर आया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, शासन के सारे शासनादेश से ऊपर हैं अशोक कनौजिया, जो लगातार लखनऊ में ही काम कर रहे हैं। प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण को भी अशोक कनौजिया का सर्विस रिकॉर्ड नहीं नजर आया है। लोक निर्माण विभाग में अशोक कनौजिया सब पर भारी पड़ते हुए इस वक्त कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। नियम कानून से ऊपर चीफ इंजीनियर अशोक कनौजिया हैं इस वक्त, क्योंकि एक रूल होता है कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा समय तक एक ही जगह पर नहीं रह सकता, और 23 साल से लखनऊ कमिश्नरी से वो बाहर, उनका तबादला नहीं हुआ है। इसके अलावा 13 सालों से लखनऊ में ही तैनात है अशोक कनौजिया। तो ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इतने सालों तक एक ही जगह पर उनकी तैनाती है, आखिर क्यों उनका तबादला नहीं किया गया। अधिक जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनीष जी, देखिए एक रूल होता है कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा दिनों तक, ज्यादा सालों तक एक जगह पर नहीं टिका रहना चाहिए, एक समय के बाद में उसका ट्रांसफर होना जरूरी होता है। लेकिन वही अशोक कनौजिया की बात करें तो पिछले 13 सालों से लखनऊ में ही लगातार नौकरी कर रहे हैं, उनका कोई तबादला नहीं किया गया। देखिए बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद नियम कानून से ऊपर होते हैं, या हो सकता है उनकी ट्यूनिंग ऊपर के अधिकारियों से इतनी अच्छी होती है कि कोई भी शासनादेश हो उनके ऊपर बेअसर होता है। ऐसा ही अशोक कनौजिया के साथ है। एनएच डिवीजन जो पीडब्ल्यूडी की होती है उसमें सालों से जमे हुए हैं, और आश्चर्यजनक बात यह है कि 13 साल से वो उसी एक डिवीजन में है, वहीं यही रहे, वहीं एक्सीएन हुए, वहीं एससी हुए, वहीं चीफ हुए। मामला यहाँ खत्म नहीं होता है, मामला और तब बढ़ जाता है कि जब एक महत्वपूर्ण पद लखनऊ का जो मध्य क्षेत्र है उसके चीफ इंजीनियर की कुर्सी खाली होती है तो उसका भी एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब तबादलों को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं लोक निर्माण विभाग में। एक विभागाध्यक्ष तक को इतिहास में पहली बार सस्पेंड किया गया है। प्रमुख सचिव से लेके मंत्री तक बहुत सारी बातें निकली हैं, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, उसके बावजूद ऐसे लोगों का इस तरीके से जो उनकी जो सेटिंग है वो इस तरीके से हो जाती है कि 13 साल से वो यहाँ जमे हुए हैं, किसी को नजर नहीं आता। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण विभाग की और अहम जिम्मेदारी उनको, यानी लखनऊ मध्य क्षेत्र में चीफ इंजीनियर की पद की जिम्मेदारी दे दी जाती है, जबकि अभी बहुत सारे ऐसे अफसर हैं चीफ इंजीनियर लेवल के जो खाली पड़े हुए हैं, जिनकी पोस्टिंग या तैनाती या जिन्हें कार्यभार दिया जा सकता है। लेकिन अंदाजा लगाइए कि ऐसे लोग, सरकार कोई भी हो, ऐसे रसूखदार हमेशा ऊपर रहते हैं। अशोक कनौजिया उसमें से एक है, और अशोक कनौजिया को अब जब मध्य क्षेत्र की भी कमान दे दी गई है तो सवाल उठने शुरू हुए हैं, क्योंकि इतने हंगामे के बाद जहां कहा गया था कि अब बिना मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुमोदन के बाद किसी की पोस्टिंग नहीं होगी, बीच में तो यहां तक मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से आदेश जारी हो गया था कि जो समूह ग और घ के तबादले, यानी चपरासी और क्लर्कों के जो तबादले होंगे उसका भी अप्रूवल मुख्यमंत्री कार्यालय से लिया जाएगा। ऐसे क्लास वन अफसर के पास के तबादलों को लेके इतनी अनियमितताएं कैसे बढ़ती गई, सोनी बात है। और सबसे बड़ी बात, मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण है जिनको जिम्मेदारी है कि इन सब चीजों पे वो लगाम लगाए, उन्हें भी इस बात का पता नहीं चला कि एक शख्स जो 13 साल से एक ही जगह पे, एक ही मंडल में, एक ही जिले में तैनात है, उसे हम लखनऊ के लोक निर्माण विभाग का एक और महत्वपूर्ण दायित्व सौंपने जा रहे हैं। जी, लेकिन क्या अशोक कनौजिया साहब क्या कानून से भी ऊपर हो चुके हैं? क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है, नियम सबके लिए बराबर है, लेकिन ये कानून, ये नियम अशोक साहब पर शायद लागू नहीं होते। देखिए साफ तौर से शासनादेश है कि कोई भी क्लास वन अफसर जो है वो 4 साल तक एक जिले में और 7 साल से अधिक एक मंडल में नहीं रह सकता। बिल्कुल,
और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उन सारे नामों में सबसे ऊपर अशोक कनौजिया का नाम है। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि फिर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इन तमाम नियमों को अनदेखा करते हुए वो मुख्यालय में तैनात रहे और इतने वर्षों से तैनात हैं, इन तमाम अवहेलना नियमों के अवहेलना के बाद भी उन्हें मध्य क्षेत्र के चीफ इंजीनियर की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाती है। यानी इसका मतलब तो यही हुआ कि पूरे मुख्यालय में चीफ इंजीनियर स्तर का कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जिसे मध्य क्षेत्र की कमान दी जाए या इतने महत्वपूर्ण पद पर रखा जाए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर साबित होता है कि सरकार कोई भी हो, अफसर कोई भी हो, कनौजिया साहब की सेटिंग बड़ी जबरदस्त है। जब चाहे जहां चाहे जो ऑर्डर वो अपने पक्ष में करवा लें, और ऐसे में ये कहना कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ कहीं किसी चीज में नियमों की अवहेलना नहीं की गई है, कहीं नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है, ये कहना गलत होगा। हालांकि जो ट्रांसफर पर जब पोस्टिंग पर जब सवाल उठे थे तो उसमें मुख्यालय का भी नाम आया था, लेकिन मुख्यालय ने बिल्कुल हाथ खींच लिए अपने और अब मुख्यालय से सीधे सीधे खाली पदों की डिटेल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाती है और जो लोग एलिजिबल होते हैं, जो नाम होते हैं, उन्हें भेजा जाता है कि इतने लोग हैं और इतने पद, यहाँ यहाँ की पद खाली हैं, यहाँ यहाँ की चीजें खाली हैं। और मुख्यमंत्री कार्यालय से पोस्टिंग होती है, उसमें प्रमुख सचिव का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, मुख्यमंत्री कार्यालय के अफसरों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन ऐसे में ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे दे देना, ये थोड़ा सा सवाल खड़े होते हैं कि क्या ऊपर के लोग भी मिले हुए हैं, क्या ऊपर के लोगों को भी नजर नहीं आता कि कहाँ शासनादेशों का उल्लंघन हो रहा है, कहाँ नियमों की अवहेलना हो रही है। जी चलिए, शुक्रिया मनीष जी तमाम जानकारी देने के लिए।